तुम्ही न होती तो ये दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। यूं तो हजारों लोग हैं जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मरता कौन। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सेना के सूबेदार पद पर कार्यरत जवान अनूप कुमार का शव जैसे ही जिले की सीमा में प्रवेश किया, काफिले में लोग शामिल होते चले गए। हालत यह रहा कि किजर से कुर्ता बाजार तक सेना के वाहन में ताबूत में रखे जवान का शव पहुँचने में 3 घंटे का समय लगा। तिरंगे झंडे के साथ आगे आगे चल रहे लोग भारत माता की जयकारे के साथ साथ जब तक सोरा चांद रहेगा शहीद अनूप तेरा नाम रहेगा का नारा लगा रहे थे, जिसे जहां जगह मिली वो वहीं से वीर सपूत के पार्थिव शरीर का दर्शन कर श्रद्धा का पुष्प अर्पित कर रहे थे। सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। बड़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिल से तो कई लोग पैदल ही वीर सपूत के शव यात्रा में शामिल हो गए थे। लोग अपने अपने छतों पर से भी शहीद को नमन कर रहे थे। जिस मिट्टी में जन्म लेकर अनूप सेना के जवान बने थे, उस गांव निघावा का हाल तो बदरंग था। ग्रामीणों को अपने लाडले को खोने का गम था। जैसे ही वीर सपूत का पार्थिव शरीर गांव में प्रवेश किया, भावनाओं का समंदर उमड़ने लगा। देशभक्ति और भावनाओं के बीच गांव की गलियां वीर सपूत के सम्मान में जयकारे से गूंज रही थी। युवाओं ने किज्जर थाना के पास भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। मोतेपुर बाजार और कुर्ता में सड़क किनारे स्थित मकान के छतों पर पुष्प की बारिश कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं प्रखंड क्षेत्र के खैरा बाजार, राणा नगर आदि जगहों पर ग्रामीणों ने सेना के जवान को सम्मान दिया। आधे किलोमीटर से भी अधिक तिरंगा व उनके पीछे 2 पहिया वाहन पर सवार हाथ में तिरंगे लिए हजारों की संख्या में युवाओं की टोली तथा विभिन्न वाहनों से क्षेत्र के नागरिक शव वाहन के साथ चल रहे थे। गांव पहुंचते एक झलक पाने के लिए आम लोग में बेताबी दिखाई दे रही थी। जो जहाँ थे उनकी आंखें नम थी। थोड़ी देर के लिए उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद उनका शव विधि विधान के बाद गांव के ही शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। साथ आए जवानों ने उन्हें मातमी धुन के साथ सलामी दी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि भाई सूबेदार अनूप कुमार की आत्मा को शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक चांद तारे रहेंगे तब तक भाई अनूप कुमार तेरा नाम रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो भाई अनूप कुमार के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें।